नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, मैं आईसीडीएस वर्कर प्रभा सिंह आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं भी यही कह रही हूँ। आंगनबाड़ी के बच्चों को ठंड नहीं लगती। बहनों, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं। कई जिलों में शिक्षा विभाग ने लेटर जारी भी कर दिया है, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर की छुट्टियों का कुछ अता पता नहीं है, जबकि इतनी भीषण ठंड शुरू हो गई है। 3 से 6 वर्ष के छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे और भी नाजुक होते हैं। क्या ठंड इन्हें नहीं लगती? जबकि इन बच्चों को और ज़्यादा ठंड से बचाने की ज़रूरत होती है। अब इतने ज़्यादा ठंड में इन बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर पर कैसे बुलाया जाए? अगर बच्चों को ठंड लग गई तो और भी लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अभी तक किसी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इन बच्चों को भी छुट्टियों की ज़रूरत है, जबकि इन बच्चों का राशन THR वगैरह माह में एक बार ही बांटा जाता है, जो कि एक बार बुला के इनको बांटा जा सकता है। इन बच्चों को भी ठंड लगती है, इन्हें भी छुट्टियों की ज़रूरत है, तो इनको ठंड से बचाने के लिए इन बच्चों की भी छुट्टियां की जाएं। मैं जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध करूंगी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी छुट्टियों की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें भी ठंड लगती है। और मैं अपने ICDS विभाग से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें और ठंड की अवकाश घोषित करें। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।